कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। धारा 370 ख़त्म हुई, उसके बाद पहली बार घाटी में आने का मौका मिला है। आबो हवा बदली बदली सी नज़र आती, बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं। अब आबो हवा में डेवलपमेंट की खुशबू आ रही है। यहाँ की आवाम की हमें फिक्र है, जम्मू कश्मीर की आवाम से भारतीय जनता पार्टी मोहब्बत करती है। हम चाहते हैं कि जिस तरह देश में डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह आंध्र प्रदेश में, बिहार में, यूपी में, गुजरात में डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तरह का विकास और डेवलपमेंट तरक्की जम्मू कश्मीर के लोगों का भी हक है। जम्मू कश्मीर के आवाम का हक है, उनका ये राइट है और हमारे लिए फरीज़ा है कि हम डेवलपमेंट करें। जम्मू कश्मीर की आवाम को डेवलपमेंट से कोई रोक नहीं सकता। पहले जो हुकूमत रही है वो सिर्फ अपना और अपने परिवार का, पहले एनसी और पीडीपी के नेताओं से पूछा जाता था कि आपने क्या डेवलपमेंट किया, तो उनका देखिए हमारे रिश्तेदारों का कितना बड़ा बड़ा मकान है, हमारे बच्चे कितनी तरक्की कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री थे, हमारे बच्चे भी हो गए हैं। लेकिन किसी गरीब के कश्मीरी बच्चों की फिक्र उन्होंने नहीं की। वो ये मानते हैं कि अपने फैमिली का और अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का भला करना कश्मीर का भला हो गया। हम परिवारवाद के खिलाफ लोग हैं, हमने बिहार में चुनाव लड़ा, एक भी नेता के बेटा बेटी को टिकट नहीं दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो उम्मीदवार तय करता है, उसके अंदर भी मैं सदस्य हूँ, जो 10 लोगों की कमेटी। और मैंने देखा है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, इसलिए हमारी कथनी और करनी एक है, जो हम बोलते हैं वो करते हैं। अगर हमने कहा कि कुछ परिवार के लोग, आज जितनी भी पार्टियां जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, वो कोई ना कोई उनके वालिद या उनके दादा एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इसलिए वो हैं। आम कश्मीरी को आगे बढ़ने का मौका उन्होंने नहीं दिया, हम मौका देंगे। नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर की आवाम पर हम खास तौर पर ध्यान देंगे, जम्मू कश्मीर की आवाम के हाथ में हम कलम दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप अपने कलम से अपनी तकदीर लिखिए, यानी अपने वोट से लिखिए। धारा 370 ख़त्म हो गई, जिस तरह हम ये मानते हैं कि किसी की मौत होने के बाद वो कब्र से ज़िंदा नहीं लौटता, धारा 370 कभी नहीं लौटेगी, ये बात एकदम सही है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जो गुपकार गैंग है, गैंग तो हमारे यहाँ बिहार झारखंड में वासेपुर गैंग देखा होगा आपने, वो गैंग ऑफ वासेपुर, ये जो गैंग ऑफ गुपकार है, जिन्होंने सिर्फ अपना और अपने फैमिली का भला किया, अगर कश्मीरियों का भला किया होता तो आज उनकी मकबूलियत होती, आज उनकी मकबूलियत नहीं है। आज वो खुल के कश्मीर में घूमने की हालत में नहीं है, जनता सवाल पूछना चाहती। 3 पीढ़ी सबकी सरकार में रही है, हुकूमत में रही, क्या किया आपने? इसलिए मैं आपके सवाल के जवाब से पहले ही कह दूं, जो ख्वाब दिखा रही हैं महबूबा, जो ख्वाब दिखा रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, वो ख्वाब पूरे होने वाले नहीं हैं। मान लीजिए मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और मैं अपने बच्चे को कहूं बेटा दादा आएंगे, तो दादा नहीं आएंगे, कोई कब्र से ज़िंदा नहीं होता। 370 भी दफना दिया गया है, अब ये कभी नहीं लौटेगा। इसलिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों से कहता हूँ, जो लोग आपको ये
पहले तो कहते थे 370 को कोई छू नहीं सकता, 35A को छू नहीं सकता, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज माशाल्लाह भारत का तिरंगा शौक से कश्मीर के लोग उठा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अब ये लोग, पहले कहते थे कि हम 370 को बचाएंगे, उस पर लोगों को गुमराह करते थे, अब ये लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि हम 370 वापस लाएंगे। इससे बड़ा झूठ दिन के उजाले में कुछ नहीं हो सकता जो वो बता रहे हैं। हम यहाँ लोकल बॉडी का जो चुनाव है उसमें चुनाव लड़ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में अनुराग ठाकुर जी प्रभारी हैं तरुण चुनाव के। हम और अनुराग ठाकुर और संजय भाटिया जी इलेक्शन के लिए जुड़े हैं, और लोग जम्मू आ जाए हैं, जम्मू का काम देख रहे हैं। मैं, मेरे जिम्मे घाटी की जिम्मेदारी है एज ए इलेक्शन इंचार्ज इन घाटी, मतलब कश्मीर का, कश्मीर वैली का। तो मैं इलेक्शन तक आपको मिलने वाला हूँ, उसके बाद भी मिलने वाला हूँ, लेकिन इलेक्शन में कंटिन्यू रहूँगा। अभी मैं 4 दिन हूँ, फिर आ जाऊँगा। मैंने कहा थोड़ा देख लूँ, मिल लूँ, फिर मुझे कितना कश्मीर से लगाव है। मैं पटना नहीं जा पाया ओथ में, लेकिन मैं श्रीनगर आ गया हूँ, क्योंकि जितना मैं अपने बिहार से प्यार करता हूँ उतना ही जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार करता हूँ। आज हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसता है जम्मू कश्मीर, आज उनके दिमाग पे है जम्मू कश्मीर। वो, उनकी जिद है जम्मू कश्मीर को संवारने की, नरेंद्र मोदी जी की जिद है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट लाने की, नरेंद्र मोदी जी की जिद है आपको रोजगार दिलाने की। और जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो सिर्फ कश्मीर के जवान को, जम्मू के जवान को ही रोजगार नहीं दे सकता, बल्कि पूरे दुनिया का टूरिज्म का हब बन सकता है। लेकिन टूरिज्म की जगह लोगों ने थोपा टेररिज्म। अब टेररिज्म का दौर ख़त्म हो गया, टूरिज्म का दौर शुरू हुआ है। मेरी आपके ज़रिए उन सब जम्मू कश्मीर वासियों से अपील है कि आप डेवलपमेंट के लिए, आपने सबको आजमाया, अब डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी को आजमाइए। हम पूरी तरह आपकी उम्मीदों पर इंशाल्लाह खड़े उतरेंगे, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चलेंगे। हिंदुस्तान में जैसे आज सब जगह अमन अमान है, कहीं कर्फ्यू नहीं है, कहीं दंगा नहीं है, कहीं फसाद नहीं है, एक दो घटना जो होती है कहीं दिख जाती होगी कभी कभी टीवी पे, वो कुछ समाज के अनासिर हर जगह होते हैं जो समाज को बदनाम करते हैं, मुल्क को बदनाम करते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क में किसी भी जात मज़हब के मानने वाले हों उनकी फिक्र करना, नरेंद्र मोदी जी अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह अब जम्मू कश्मीर के लोग भी नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। उसका नज़ारा हमने देखा है कि यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं, डेवलपमेंट मनोज सिन्हा जी बेहतरीन डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, पूरी तरह सरकार की भी क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि हमने जो वादा आपसे किया कि डेवलपमेंट करके दिखाएंगे, डेवलपमेंट करना नरेंद्र मोदी की जिद है, और उस जिद पर हम पूरी तरह खड़े उतरेंगे।